कांग्रेस छोड़कर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मध्य प्रदेश के 6 पूर्व मंत्रियों ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी में गैर गांधी नेताओं के उज्जवल राजनीतिक भविष्य की संभावनाएं अब शून्य हो चुकी हैं। इन 6 पूर्व मंत्रियों का कहना है कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिरने का मुख्य कारण खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ही हैं, जिन्होंने कहा था कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़कों पर उतरना चाहते हैं तो उतर जाएं। जिन 6 मंत्रियों का जिक्र हम यहां पर आपसे कर रहे हैं उनके नाम तुलसी सिलावट, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, गोविंद सिंह राजपूत एवं प्रद्युमन सिंह तोमर हैं। इन मंत्रियों का कहना है कि हमारे नेता सिंधिया की कांग्रेस एवं कमलनाथ की तत्कालीन सरकार द्वारा बीते 15 महीने से उपेक्षा की जा रही है। इन मंत्रियों का कहना है कि असलियत में सिंधिया के चेहरे के कारण ही साल 2018 में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी 15 साल बाद सत्ता में आई। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई वादे किए लेकिन सरकार बनने के 14 महीने बाद भी वो वादे पूरे नहीं किए। इन नेताओं का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की जनता का भला चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी ही सरकार के विरुद्ध जाकर सवाल उठाने शुरू किए। सिंधिया की चिंता को दूर करने के बजाय कमलनाथ ने हमारे नेता को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते या ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति पर सवाल उठाने के बजाय अपने वायदे पूरे करने में जरा भी ध्यान लगाते तो मध्य प्रदेश में सिंधिया कभी कांग्रेस के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने हाथ में नहीं लेते और ना ही ये सरकार महज 14 महीने में गिर जाती। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।